विनीत है, दिवाकर है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। जहाँ आप खड़े हैं ये क्षेत्र मेरे गांव में आता है। क्या मामला हुआ है यहाँ? यहाँ का जाने कल शाम पता लगा कि कुछ व्यक्तियों ने गाय को दाब रखा है और गौ कसी यहाँ पर की गई। गांव के व्यक्ति खेती का काम करके जा रहे थे, उन्होंने अचानक एक पशु की आवाज़ सुनी और जब जाकर देखा तो 7 व्यक्तियों ने गाय को दाब रखा था और उसे काट रहे थे। उन्होंने शोर मचाया तो उन व्यक्तियों ने फायरिंग खोल दिया, जिससे किसान डर के गांव की तरफ कुछ चीख कर भागे और गांव में से जैसे ही पब्लिक भाग के आई वैसे ही वो गाय को छोड़ कर भागने लगे, जिस पर मौके पर फायरिंग करते हुए 3 जने तो वहां से भाग गए 7 में से, और 4 जनों को गांव के व्यक्तियों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद गाय को काट दिया गया। गाय के पेट में एक बच्चा भी था, जिस बच्चे को भी उन्होंने गला काट दिया था और गाय का मांस था, गाय को जगह जगह से टुकड़े टुकड़े एक गोल टुकड़े उन लोगों ने कर रखे थे जो बेचने का काम करते हैं गौकसी करके। वो उन लोगों ने, गांव वालों ने उनका पकड़ कर जब विरोध किया तो SHO थाना देहात जो पड़ता है वहाँ सूचना करी। पुलिस लगातार फ़ोन करने के बाद भी SHO ने पहले तो फ़ोन काट दिया गांव के व्यक्तियों का, उसके बाद 1 घंटे के बाद मौके पर आई। जब मौके पर आई तो तब तक गाय कट चुकी थी और उसका मांस उनके सामने पड़ा हुआ था और उसके बच्चे को पुलिस ने डरा धमका कर गाँव वालों को, उसका जो गाय के पेट में जो बच्चा था उसे भी दफना दिया। ये आपके पास में ही आप देख रहे हो राइट साइड में, यहाँ गड्ढे में उसके गाय के बच्चे का जो शरीर है उसे यहाँ दबाया गया और गाय के मांस को गांव वालों से ये कहकर SHO साहब ले गए कि मैं इसका PM कराऊंगा। और बांध नदी पड़ती है नंगला और एफजाबाद के बीच में, रात 12 बजे के करीब बिना किसी PM के SHO ने अपनी मिली भगत करके उन लोगों से साठगांठ करके वो सारा मांस उस नदी में फिकवाएगा, वहाँ दबा दिया और गांव वालों से कह दिया गया कि मैं इसका PM कराऊंगा, इन्हें सजा मिलेगी। गांव वालों को ये भी पता चला कि SHO दरोगा को साइड में ले जाएंगे, उन 4 अपराधियों को जिन्होंने गौकसी करी है उन्हें भी छोड़ने के लिए प्रेशर बना रहा था, लेकिन गांव को जब पता चला उन्होंने आक्रोशित हो गए और जब जाके उन 4 को लेकर गए। अभी तक उनका चालान SHO ने नहीं किया, उन्हें बैठा रखा है। और आप कह सकते हैं सारे ग्रामवासी और लगभग यहाँ लगभग 5 गाँव के व्यक्ति थे, जैसे ये खबर दूर तक पहुंची तो सब आक्रोश है, ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ गौकसी का मुकदमा पंजीकृत हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौकसी करने वालों के लिए ऊपर रासू का जो धारा कही है कि जो गौकसी करेगा उस पर लगाई जाए, उसके तहत उन पर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, उन्हें जेल भेजा।